गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। तो आज की ये क्लास जो है ना वो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। देखिए जब भी जो आपका आरआरबी का भी इस टाइम पे आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी की 9th क्लास की और एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो बुक्स हैं वो मैं आपको कवर करा रही हूँ। चैप्टर वाइज भी चीज़ें हो जाएंगी और उसके अलावा इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक भी आए हैं जो आपको थोड़े भी डिफिकल्ट लग रहे हैं, वरना तो क्वेश्चन मैक्सिमम ईजी हैं, लेकिन जो 7, 8, 9 क्वेश्चन आपको अलग से आ रहे हैं, डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की जो एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर के पीछे उधर से आ रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी के जो लास्ट में 2 सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं उसमें से आ रहे हैं। उसी के चलते आज की क्लास जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे कराने लग रही हूँ। तो ये आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इनफैक्ट ये वाली क्लास जो है वो टिल एग्जाम डिडंट गेट ओवर तब तक करने वाले हैं, और उसके बाद मैं साइंस का एक अलग से कोर्स भी स्टार्ट करूंगी जिसमें इन्हीं एनसीईआरटी के बेसिस पे सारे चैप्टर्स जो है ना वो कवर कराएंगे, ठीक है। शुरू करें एक बार ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाली क्लास वैसे मैंने कल लगाई थी ये सोच के कि 8 बजे तक मैं आपकी शायद क्लास ले पाऊंगी, बट कंडीशन नहीं थी कि मैं ये वाली क्लास भी ले पाती। हालांकि ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। मैं आपको फटाफट से केमिस्ट्री के 9th और 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की 2 एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं, 9th क्लास का बुक और 10th क्लास का बुक, उसमें पूरी एनसीईआरटी में कहीं पे भी कोई भी अगर कोई फॉर्मूला दिया है या किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन दी है, इवन बैलेंसिंग के लिए भी कोई इक्वेशन दी होगी वो भी मैं आपको कराऊंगी। जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की आपको पूछी जा चुकी है, उस इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, ऐसे करके ना आज शाम को ये वाली क्लास कर लेंगे। तो प्रोबेबली आज भी इसका टाइम जो है ना वो मैं 8 PM ही रखूंगी, क्योंकि एटलीस्ट इस टाइम तक ये होगा कि हाँ अगर थोड़ा भी ठीक होएगा ना तो अपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलें शुरू करें क्लास, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हो सकता है आज जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके ही एग्जाम में आज का सेट जो है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, एक और चीज, क्लास 24 डिफेंस चैनल पे संजीव सर जो है ना वो 24 आवर्स की मैराथन ले रहे हैं और वो अकेले ये काम करने वाले हैं। मतलब यूट्यूब के इतिहास में इंग्लिश, अभी एनडीए और सीडीएस का पेपर है और एयरफोर्स और बाकी के कुछ एग्जाम हैं उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसका एक एग्जाम भी होने वाला है अभी हाल ही फिलहाल। तो 24 आवर्स की ये क्लास लेंगे और इतिहास में, ये यूट्यूब के इतिहास में तो पहली बार ही होगा कि कोई सिंगल टीचर जो है वो 24 घंटे पढ़ा रहा है। मतलब मेरी खुद की एफिशिएंसी शायद 6, 6, साढ़े 6 घंटे की है, उसे ऊपर कभी ट्राई नहीं किया। अब आगे कोई एग्जाम आएगा बड़ा उसमें ट्राई करेंगे, हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 24 घंटे उनका मैराथन सर कर रहे हैं, तो आपके जानकारी में जो भी लोग हैं ना उनको बता दीजिए अगर कोई तैयारी कर रहा है एनडीए या सीडीएस की या इंग्लिश अपनी अच्छी करना चाहता है तो 24 घंटे में संजीव सर के साथ काफी कुछ वो सीख सकते हैं ना, तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। थोड़े से डायग्राम है तो मैं साइड हट के थोड़े से डायग्राम जो है वो करा देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन देखो मेरी तरफ से रेडी था, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि वही तबीयत की वजह से नहीं मैं करवा पाई हूँ, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है मैं कराने की कोशिश करती हूँ, संडे को कर लें। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक करंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है आपका चैप्टर, तो उसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ भी कवर करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो 2 आवर्स का क्लास करने की कोशिश करते हैं। चलिए, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड ट्रेस बाय 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये A, B, C, D 4 बच्चे हैं, ठीक है। उनको एक ग्लास स्लैब दिया गया और रे ऑफ लाइट पास करने को बोला गया, तो आप बस ये बता दो कि इसमें से कौन से बच्चे की रे ऑफ लाइट जो है जब उसने ड्रॉ की तो बिल्कुल सही ड्रॉ हुई है, बताइए। सिद्धांत, अगर आपका पेपर है ना तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आइएगा। पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चंस पूछती है वो थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करती है, तो आप थोड़ा सा ना पेपर को या क्वेश्चन को थोड़ा शांति से पढ़ोगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना एकदम जंप मत करना ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। जल्दी से पहले क्वेश्चन पूरा समझ लेना, फिर ही जो है ना क्वेश्चन का आप आंसर करना। जल्दी से बताइए, इसमें रे ऑफ लाइट की बात की गई है ना। अच्छा, मैं बहुत तेज बाकी की दिन की क्लासेस की तरह नहीं बोल पाऊंगी, तो थोड़ा सा ना आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट पेस पे मतलब तेज तेज नहीं बोल पाऊंगी चिल्ला चिल्ला के ना, उतनी एनर्जी नहीं है। मैंने बस इतनी एनर्जी बचाई है कि मैं ना आज की क्लास आपकी करा दूं यहाँ पे। अच्छा वैसे मेरा कोरोना पॉजिटिव है ना, इसलिए ये सारा चीज़ें हो रहा है, अदरवाइज नॉर्मल फीवर में तो मैं आपकी कई बार क्लास ले चुकी हूँ, बट दिस टाइम इट इज़ कोरोना पॉजिटिव, तो ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए, रे ऑफ लाइट अगर पास करती है तो आपने हमने ये पढ़ा है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक है, रेयरर से डेंसर में, है ना, तो रेयरर से डेंसर जाते समय RDT हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, ये अगर अभिलंब है, अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं तो ये आपका अभिलंब है यहाँ पे, ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर अगर जाएगी तो RDT लिखना है, ठीक है, टूवर्ड्स, और अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट्स हैं, आज मुझसे सीधी लाइनें भी नहीं खींच रही है ना, ये देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये वाली, तो यहाँ पे ये तो देखो एंगल आई जो है और रिफ्रैक्शन एंगल में एंगल आई जो है वो बड़ा है, ठीक है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 मानूं और इसको पॉइंट नंबर 2 माने तो एंगल आई और एंगल आर ये है, तो एंगल आर इस टाइम पे जो है वो ग्रेटर देन एंगल आई हो गया, ठीक है, एंगल आर जो है वो ग्रेटर देन एंगल आई हो गया। इस कंडीशन में आप देखो ये वाला जो है वो RDT वाला फॉलो कर रहा है, और ये जो है ये क्या फॉलो कर रहा है, ये DRT फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए इन चारों बच्चों में ये बच्चा तो देखो ऐसी है, ये बच्चा तो चीटिंग कर लिया है, कुछ कर लिया है, जिसको समझ ही नहीं आई है कि लाइन यहाँ पे सीधी है या फिर लाइनें जो हैं वो टेढ़ी हैं, तो ये ऐसे सीधी लाइनें, ये चीटिंग वाला बच्चा है, जिसको उसे लगा कि शायद इसने टेढ़ी लाइन बना दी है तो मैं भी टेढ़ी लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे आपको ना आंसर जो है वो बी देना है, ठीक है, आंसर जो है वो बी देना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, तो मैंने आपको नॉर्मल लाइन बनाई यहाँ पे, ये वाला एंगल, तो ये ग्लास स्लैब जो है वो कैसा हो गया, डेंसर हो गया, ग्लास स्लैब आपका डेंसर है, और ये जो है ना वो रेयरर है, तो वापस फिर से ये जो है वो रेयरर हो गया। तो एक बार लाइट सघन, विरल और सघन ऐसे करके आपकी जा रही है, तो ये आपका यहाँ पे डिफाइन करके करना पड़ेगा, ठीक है। द pH रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल, ताजे पानी के पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल pH रेंज जो है वो क्या होती है, बताओ। pH का फुल फॉर्म सबको याद है, pH का फुल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखना है। तो ये बताओ, नहीं अच्छा है ये ना, टेक्निकली आपके वायरसेस ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाती, पढ़ाना बड़ा दुर्भर हो जाता। स्टैटिस्टिक्स जीके कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं ही पढ़ाऊंगी राजेश। स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब इसी चैनल पे शुरू हो जाएगा आपका। अब ये थोड़ा सा ग्रुप डी का थर्ड फेज खत्म होने दीजिए आप लोग। अच्छा आप ग्रुप डी के लिए बोल रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। चलिए pH जो है वो क्या रहेगा, ताजे पानी के पौधों और जानवरों के लिए सबसे कंड्यूसिव pH आपका क्या होना चाहिए, ये वाला, एल्कलाइन या न्यूट्रल के आसपास, नॉट वेरी एल्कलाइन, नॉट वेरी बेसिक, और न्यूट्रल के आसपास रहना चाहिए। तो फ्रेश वाटर जैसे फिशेस हैं या फिर जैसे हर किसी जानवर के लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा pH 7.4 ही होता है, इसीलिए हमारे ब्लड का pH भी 7.4 है, और हमारी जो सलाइवा होता है ना, जो उसका pH आपका 6.8 बोला जाता है, और हमारी बॉडी की बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना उनका pH भी आपका 6.8 से 7.4 तक जाता है। आँख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है जब आँख की मांसपेशी, बताइए, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन द आई मसल्स। ये क्वेश्चन करते समय याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके 9th और 10th के NCERT के एग्जाम्पल हैं और उन्हीं के ही टेस्ट है जो लास्ट में दिए हुए हैं। तो एक बच्चे हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता, मेरे को नाम याद नहीं है शायद, लेकिन उनके द्वारा ये मुझे भेजे गए हैं टेस्ट, और उन्हीं के रेफरेंस से मैंने सारे NCERT के एग्जाम्पल्स की बुक भी निकाल ली है जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो भी आपको बराबर मैं ना देते रहूंगी, ठीक है। सो तो हर दिन जो है ना यहाँ पे आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मेरे साथ कर रहे हो। ये बताओ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल। एक क्लास लेंस की करा दूं, लेंस और मिरर की मैं आपको 3 क्लासेस करा चुकी हूँ, न्यूमेरिकल्स थ्योरी सब कुछ करा दी है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, आई लेंथ की फोकल लेंथ कब इंक्रीज होगी, जब आंख रिलैक्स हो गई है और लेंस जो है वो थिनर हो गया है, ठीक है। दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, फोकल लेंथ देखो क्या है, जहाँ पे आपका लेंस जो है वो अपनी जो इमेज जो पॉइंट फोकस का बनाता है ना, उसको आप क्या बोल रहे हो, ये वाली फोकल लेंथ। लिखा है कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो मान लो ऐसे से ऐसे हो गई है, बढ़ गई है, तो आंख क्या हो गई है, आंख जो है वो रिलैक्स हो गई है और लेंस जो है वो थिनर हो गया है। यानी कि लेंस का अगर साइज पहले ये था तो अभी लेंस का साइज जो है ये हो गया है, लेंस का थिनर हो गया है। तो याद रखिए इसी में बिल्कुल उल्टा लिखे कि फोकल लेंथ ऑफ आई जो है वो आपकी घट गई है, डिक्रीज हो गई है और लेंस थोड़ा ब्रॉड हो गया, तब आपको जो है क्या लिखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और लेंस जो है वो क्या हो गया, थिकर हो गया है। तो अगर मोटे लेंस की और कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध की लिखी हुई है तब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, तब आप बी वाला ऑप्शन लिखना। अदरवाइज यहाँ पे जब आपको फोकल लेंथ बढ़ी हुई दिख रही है तो आंख जो है वो रिलैक्स लिखनी है इस तरीके से, ठीक है। आई लेंस थिनर हो गया, सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो गई और फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला का तार्किक अनुक्रम जो है वो कौन सा है? देखो एक बार ना पक्का करके ना ठीक हो जान दो, बस मेरे को आज का ये वाला थोड़े थोड़े छोटे सेशंस में ले पाऊंगी मैं, बहुत बड़े आपके 100 क्वेश्चन वाले सेशंस ना अभी लेने में सक्षम नहीं हूँ, है ना। अभी आज मैं ठीक हूँ, फीवर नहीं है ना, तो आज मैं बस ठीक हूँ, लेकिन वही है कि ऐसे खड़ा होना 100 क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे आज कल का टाइम दे दो, करने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी करने वाले हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज भी करने वाले हैं। ये बताओ निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का तार्किक अनुक्रमांक जो है वो क्या होगा? सबसे पहले आपके पास या तो देखो हमेशा प्रोड्यूसर ही आएंगे, है ना, प्रोड्यूसर ही आएंगे, तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर वाले ऑप्शन को तो आप हटा दीजिए, प्रोड्यूसर ही होंगे ना हमेशा। प्रोड्यूसर के बाद कौन होता है? जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम करे। अच्छा एक सेकेंड, इसमें इन्होंने रुको इसको एक बार दोबारा से चेक करते हैं। इसमें आपके पास डिकम्पोजर्स भी दिए हुए हैं, जब भी आपके पास यहाँ पे, लेकिन डिकम्पोजर का सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है। आप सिंपल याद रखो, आप जब भी ये लिखते हो तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर करके लिखना है, ठीक है। आपकी फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है? आपकी फूड चेन हमेशा सन से शुरू होती है। सन से जो एनर्जी है वो सीधा किसको जा रही है? आपके प्लांट्स को जा रही है, तो प्लांट्स माने प्रोड्यूसर, ठीक है। ऐसे भी लर्न कर लो आप, प्लांट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर लर्न कर लो, पी और पी करके हो जाएगा प्लांट प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंज्यूमर, जिसमें आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, है ना। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर। तो आपको क्या लिखना है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कि सन से प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो 1% ही होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट से आगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जाती है वो आपकी होती है 2%, 3%, 4% करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये याद रखो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये याद रहेगा। प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। चलो, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ दी व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हम अब इसको जरा सोचना फिर आंसर करना। वाहनों की जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होता है और हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा बल्ब लगाया जाता है, मतलब उसका जो बल्ब है वो कहाँ पे रखा जाता है, बल्ब कहाँ पे रखा जाता है? सेट में 40 है, मतलब क्या हो, सेट में 40 मतलब अच्छा नॉन वेज दबा के खाऊं, मैं तो नॉन वेज लेकिन खाती ही नहीं हूं, तो मैं दबा के कैसे खाऊं? अच्छा ये जो है इनमें सब में जो है वो आपका इमेज जो है वो कैसा बनता है, मतलब ये कौन सा, अगर ये मिरर है तो कौन सा मिरर है, अगर लेंस है तो कौन सा है। टॉर्च पे आपको फोकस करना होता है, फोकस करने के लिए मिरर जो चाहिए वो कनकेव मिरर चाहिए और जो लेंस चाहिए वो कन्वेक्स लेंस चाहिए। उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस होना चाहिए, अवतल जो है वो दर्पण होना चाहिए। तो आप इसको कहाँ पे रखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी, इनफैक्ट आज ही की क्लास में या आए हैं न्यूमेरिकल आपके, या तो आज की क्लास में होंगे या कल की क्लास में होंगे। साइन आई अपॉन में साइन आर, देखो जब भी हमको जो बल्ब रखना होता है टॉर्च के अंदर या फिर आपका जैसे सर्च लाइट में जो आपका फोकस पॉइंट बनना चाहिए। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर की बात के लिए आप याद रखो कि जब भी आपको फोकस किसी भी चीज पे डालना है तो आपके पास मिरर जो है होना चाहिए। हम यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे रखा जाना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होके सारी की सारी लाइट जो है वो आपकी कहाँ पे है, वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ दी रिफ्लेक्टर, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। इस क्वेश्चन को लर्न कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आने वाला है, राइट। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ दी व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये देखो ये पॉइंट है आपका, अगर ये वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली फोकस है तो बल्ब आपका कहाँ पे रखना चाहिए, कॉन्केव मिरर के अंदर बल्ब जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए, आपके फोकस पे रखना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन टू यूवी रेडिएशंस रिजल्ट इन, यूवी किरणों के लिए मनुष्यों के अत्यधिक अगर संपर्क में आ जाता है ह्यूमन तो उसको कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। भाई पहले ना आप पढ़ाई तो कर लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ो, ये करा दो वो करा दो, ये कर दो वो कर दो, तो जैसी चीजें नॉर्मल होंगी मेरे लिए मैं वापस से चीजें करा दूंगी, ठीक है। जीके भी करा दूंगी और बाकी क्वेश्चन भी करा दूंगी, लेकिन आप प्लीज जो क्लास चल रही है वो तो पढ़ो पहले, या फिर ये क्लास नहीं करनी। करा देंगे भाई, प्लीज कॉपी स्पैम नहीं करो, आप जो पहले कर रहे हैं वो तो कर लो। क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन विच, स्पर्म्स, ओवम, बोथ। क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन, क्रोमोसोम किसके क्रोमोसोम? चाइल्ड के अंदर जो क्रोमोसोम बनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देखो क्रोमोसोम तो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, मदर और फादर। तो एक बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो फादर और मदर दोनों से ही आते हैं, 50-50। जैसे बच्चे के क्रोमोसोम अगर 2n है तो n जो है वो मदर से आ रहा है और n फादर से आ रहा है और आप प्लस कर दो, ये 2n हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे सेक्स पूछा जाएगा तब सिर्फ स्पर्म लिखना है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तब स्पर्म लिखिए, राइट। नहीं तो अगर क्रोमोसोम पूछा है ना तो मदर फादर दोनों, यानी कि स्पर्म और एग दोनों से जो बच्चे के जो क्रोमोसोम बनेंगे ना वो दोनों से बनेंगे। अच्छा अगर कोई भी पर्सन जो है वो यूवी रेडिएशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एक तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डैमेज होगा और दूसरा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर और ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो आप लोग याद रखो कि जब भी कोई पर्सन को आप यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कराते हो तो स्किन कैंसर होता है। अब स्किन कैंसर तो तभी होगा ना जब आपकी इम्यूनिटी जो है या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी के किसी ऑल्टरनेट मेथड से फाइट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है यहाँ पे डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए, सनबर्न हो गया, स्किन कैंसर हो गया, आई कैटरेक्ट। अच्छा कैटरेक्ट भी याद रखिए, आंखों में आई कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जो कहते हैं ना वो भी आपके यूवी रेडिएशन से हो जाते हैं। स्किन एजिंग हो गया यहाँ पे और एक आपका स्किन कैंसर तो हो ही गया। इम्यूनिटी नहीं लिखा है ना, इम्यूनिटी भी लर्न कर लीजिए आज के बाद। ये ज्यादा धूप में भी नहीं रहना है कि एकदम यूवी रेडिएशन ही हो जाए और बस हो गया कैंसर। चलिए अब प्रिज्म ABC is placed at different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figures. ठीक है. In which of the following case after dispersion the third color from the top correspond to color of the sky. बताओ यहाँ पे ABC करके ना एक ओरिएंटेशन दिया हुआ है ना. आप बस ये बता दो कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रिज्म है जो ये बता रहा है कि द प्रिज्म AB. अब ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमारे पास आधी जनता का क्या होगा, ले भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे, कैसे करेंगे, राइट. फिगर ABCD आप देखो यहाँ पे, राइट. इसमें क्या बताना है आपको कि प्रिज्म पर सफेद प्रकाश की एक संकीर्ण किरण जो है वो आपतित होती है. निम्नलिखित में से किस मामले में फैलाव के बाद ऊपर से तीसरा रंग आकाश के रंग से मेल खाता है. ऊपर से तीसरा रंग, अब देखो आप लिखो यहाँ पे विबग्योर लिखो, विबग्योर है ना, विबग्योर. तो हम क्या लिखते हैं, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला. ऊपर से तीसरा हो गया, लेकिन इसमें से कौन सा जो प्रिज्म है ना वो मैच करेगा, बताना जरा कौन सा मैच करेगा. पहले तो ओरिएंटेशन भी देख लेना. A B C प्रिज्म को जो है वो घुमा दिया है थोड़ा सा, जैसे आपका ये प्रिज्म है, ठीक है. इसमें से अगर व्हाइट रे पास होगी तो आपके पास ऐसे करके कलर्स आएंगे, है ना. जब आप विबग्योर बनाते हो तो वो कलर जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा सा ये एंगल दे के रखा हुआ है. प्रिज्म कभी बनाए हैं आप, प्रिज्म कभी बने हैं, आपने बनाए हैं प्रिज्म? अरे वाह क्या बात है. A और B में ऑप्शन में लग रहा है. आप कभी प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं, आपने प्रिज्म का एंगल बनाया है, प्रिज्म का एंगल जो है वो कैसे बनता है. प्रिज्म जब आप बनाते हो ना तो वो हमेशा इस तरीके से ट्राइंगल जो है वो बनता है, ठीक है. आप लोग याद रखो प्रिज्म बनाते समय एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि A हमेशा टॉप पे होता है, और सिर्फ अगर आपको ये चीज पता है ना तो आप आंसर दे पाओगे, है ना. जैसे आपके पास यहाँ पे देखो, अगर मैंने प्रिज्म बनाया है तो प्रिज्म में टॉप वाली पोजीशन पे हमेशा A लिखना ही है. ये नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है कि आप A जो है वो यहाँ या यहाँ रख दो. प्रिज्म हमेशा A जो है वो टॉप पे आएगा, फिर आपका B आएगा, फिर जो है वो C आएगा. अगर रे ऑफ लाइट A और B से एंटर अगर करती है तो वो निकलेगी कहाँ से, वो रे ऑफ लाइट जो ब्लू वाली है वो कहाँ से निकलेगी, A और C के बीच से निकलेगी. तो A और A वाला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, जहां से रे एंटर कर रही है. आपसे एंटर नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि डिस्पर्जन के बाद रे ऑफ लाइट जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है, A और C से निकल रही है. आप देखो यहाँ पे A और C वाला ये वाला जो ट्राइंगल है वो हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली भी ऑप्शन ठीक नहीं है और ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं है, ठीक है. A और C करके याद रखिए, A और C ये वाला ठीक है. इसमें वैसे ठीक है लेकिन ट्राइंगल्स जो है वो सही नहीं है. यहाँ पे जो है वो A होना चाहिए था, ये B होना चाहिए, ये C, ठीक है. तो आपको B करके याद रखिएगा, B ठीक है. ये है ना आपका, ये A और B है. यहाँ पे आपने A रखा है, यहाँ पे B रखा है, यहाँ पे C रखा है. इसी प्रिज्म को लेके ऐसे उल्टा कर दो तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से निकलेगी, A और C से निकलेगी. इसमें थोड़ा ट्राइंगल जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिसेप्टर्स के लिए जो है ना वो ठीक लिखी हुई है. गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो आपके टेस्ट जो है ना वो पता लगाते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल का पता लगाते हैं. गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों ही स्मेल का पता लगाते हैं. ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल और ऑल्फैक्टरी जो है वो टेस्ट पता लगाते हैं. ऑल्फैक्टरी जो है वो टेस्ट पता लगाते हैं और गस्टोटेटरी स्मेल. अब इसमें दो ही है ना, तीन है. अच्छा देखो, एक तो आपका गस्टोटेटरी लिखा हुआ है, एक आपका ऑल्फैक्टरी लिखा हुआ है और एक आपका ऑडिटरी लिखा हुआ है ना. तो आप ये बताओ तीनों के काम क्या होते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन को देखो आराम से और फिर आंसर करो. नहीं आपको वो बस ट्राइंगल देखना पड़ेगा ना. ट्राइंगल जब भी आप प्रिज्म बनाते हो ना तो प्रिज्म के आपके जो एंगल्स हैं वो डिफाइंड होते हैं. आपको ए यहीं बनाना पड़ेगा, आप बी या इधर वाली पोजीशंस पे एंगल ए नहीं बना सकते हो। ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप इसको चेंज नहीं करना। बी और सी हमेशा बेस होते हैं, ये याद रखो, और सबसे छोटी लेंथ जो है वो बी और सी की ही होती है ट्राइंगल में। तो ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये प्रिज्म कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता बेटा, ये ऐसे करके बनाते हैं, यू करके समझ लो आप, ऐसे करके। तो ट्राइंगल 60 डिग्री में सारा है, ये क्या हो गया देखो, बताओ रिसेप्टर्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। ऑप्शन के हिसाब से आप मुझे आंसर दो। देखो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो टेस्ट रिसेप्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी जो होते हैं वो स्मेल्स को रिसेप्ट कर, स्मेल जो है ना उसको रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो गस्टोटरी आपके टेस्ट के लिए हो गए, तो दोनों स्मेल के लिए तो है नहीं, गस्टोटरी जो है वो टेस्ट है और ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल है। मुझे तो ए ऑप्शन ही पहली बार में ही ठीक लग गया। ऑडिटरी आपका स्मेल नहीं होता, सुनने के लिए काम करता है ना, ऑल्फैक्टरी टेस्ट है, गस्टोटरी स्मेल। इसमें बिल्कुल बी, डी और बी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो आपको आंसर ए देना पड़ेगा। बताओ कितनों को समझ आ गया भाई, मैं क्लास करा दूंगी, पहले एटलीस्ट जो क्लास रेगुलर चलनी चाहिए वही नहीं हो पा रही थी 2-4 दिन से, तो एटलीस्ट खड़े होके पढ़ाने तो दो कि मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, कितना पढ़ा पाऊंगी। एज सून एज आई एम ओके विद माई हेल्थ मैं आपको ना करा दूंगी क्लास। नहीं नहीं, ये वाली क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आज की क्लास से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ये याद रखेंगे। गस्टोटरी जो है वो आपके टेस्ट, देखो लर्न करने के लिए ऐसे याद रख लो, गस्टोटरी मतलब पेट से रिलेटेड होता है, गट जिसे कहते हैं ना, तो स्वाद तो हमारा जो भी हम कुछ खाते हैं वो पेट से पता लगता है। ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल से रिलेट होता है, नोज से, है ना, नोज वाला। और ऑडिटरी जो है वो आपके सुनने से रिलेट हो गया। तो हमारे फेस पे यही तो 3 चीजें हैं देखने के अलावा। तो आपके पास देखो कौन से सेंस ऑर्गन है, सुनना ऑडिटरी हो गया, देखना आपका है ना, उसके अलावा आपकी स्मेल हो गई और आपका जीभ हो गया जो आपको टंग टेस्ट कराने में मदद करेगा। तो ए वाला ऑप्शन है, इसको जरा याद रखिएगा, ठीक है। ये बताइए अगर Ag2S जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अब Ag2S क्या है, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से चांदी काली हो जाती है। अगर आपने इसको एसिड में डाल दिया, H2SO4 के साथ ऐड कर दिया, तो जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बताइए एक बार। शिफ्ट वाइज जीके मैं करा दूंगी आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। भाई देखो आप पहले मुझे साइंस तो शुरू करने दो भाई। टेस्ट टंग से पता लगता है लेकिन खाना जो जाता है वो पेट में जाता है। अब मैं आपको लर्न करने के लिए बता रही हूँ ये वाली चीज, ऐसे ऐसे लर्न मत कर लो। पेट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गट, गट वर्ड जो है ना वो पेट के लिए इस्तेमाल होता है ना। अब गस्टोटेटरी किसके लिए होगा, पेट में क्या जाता है, खाना, स्वाद लगता है वही तो आप खाते हो, जो चीज स्वाद नहीं लगती आप नहीं खाते हो, है ना। तो गट और गस्टोटरी जो है वो खाना या स्वाद से रिलेटेड है, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ बस, है ना। देखो जब भी आप सिल्वर सल्फाइड को आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन बनेगी आपके, इस पूरे प्रक्रिया में आपका जो Ag2SO4 जो है वो आप समझ लो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कहते हैं H2S जो है वो अलग हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको सिल्वर को कभी भी जैसे हटाने के लिए यूज किया जाता है इसको, है ना, Ag2SO4 करके इसको बोला जाता है। एक चीज याद रखिएगा, H2SO4 को खुद को बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी के एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, पर आगे वाले बच्चे ध्यान रखें, शायद आ सकता है, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे ने बताया नहीं है कि आया है। सबसे पहले याद रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह आपका क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होता है। जब 0 to 14 की आप लाइन देखोगे तो 0 के आसपास होता है इसका पीएच, राइट। इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये मैं आपको केमिस्ट्री की शाम की क्लास में डिटेल में बता दूंगी, हो सकता है एग्जाम में अभी ना आ जाए। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इसको लर्न कर लो आप। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो आपके H2SO4 बनाने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो किसका काम कर रहा है? आपके कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये चीज याद रखें। Ag2SO4 प्लस में H2S, राइट। अच्छा ये बताओ, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित कौन से गुण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब अच्छी बात है, तो साइड बुक्स में ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर ही दिए हुए हैं। ये आज ही की क्लास करो जरा, आज कल की क्लास कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 2-4 क्वेश्चन ना ऑलरेडी आ चुके हैं जो मैं अभी करा रही हूँ ना। आज की क्लास में जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में जो है वो आपके आ चुके हैं। Ag2S जो है ना भाई, सब करा रहे हैं, प्लीज सब करा रहे हैं। आप पे बस क्लास अटेंड करो। अब उसमें से फिल्टर आउट नहीं कर सकते ना आप। चैप्टर जो करा रहे हैं उसमें जो एग्जाम्पल दिया होगा वही एग्जाम्पल तो कराऊंगी ना मैं आपको। उसमें से फिल्टर आउट मत करवाइए कि ये वाली चीज कराना है, ये नहीं कराना है। जो आपके करा रहे हैं ना उसको ध्यान से पढ़ो। और साइड बुक्स में भी वही दिया है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपकी सब कवर की जा रही है, टेंशन मत लो। साइड बुक्स भी कवर की जा रही है और एनसीईआरटी भी कराई जा रही है। जो कराया जा रहा है भाई वो तो पढ़ लो एटलीस्ट। वही वाली चीजें आपकी एनसीईआरटी करा रहे हैं तो साइड बुक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं वो करा दो। साइड बुक्स में से जब तक मैं करा रही थी तो एनसीईआरटी आ रही है, एनसीईआरटी करा दो भाई। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन अब इस क्लास के अंदर चलेंगे। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के चैप्टर वाइज भी चलेंगे और मिक्स भी चलेंगे। आप यहाँ पे 1st and 4th याद रखो। थर्मल पॉइंट जो है वो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आसानी से वो खाने के साथ मिक्स भी नहीं होता है। और दूसरा आपका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करने चाहिए। अच्छा ये देखो, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन द साइड ए एंड इमर्जेस। ए बी एक बॉक्स है, इसके अंदर में ना कुछ है, या तो देखो ये है, या फिर जो है ना वो ये है, या फिर जो है वो ये है, या फिर आपका ये है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है। या तो इसमें कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है ना, या इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर इसके अंदर प्रिज्म है, या रेक्टेंगुलर स्लैब है। इन चारों ऑप्शन में कुछ इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर छुपा हुआ है, जिसकी वजह से रेज ऐसे बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे रेज जो है वो जा रही है। आप बताओ इसके वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, इस वुडन बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या रखा हुआ है? मैं पढ़ा रही हूँ और आप बस पढ़ो, यही 2 चीजें हैं। उसके अलावा आप दिमाग ना मुझे लगाने दो कि क्या चीज पढ़ानी है और क्या नहीं, है ना। आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, आप बस वो दिमाग लगाओ ये कैसे समझना है। बेसिक चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर लो। देखो जब मैं वुडन बॉक्स में से पर्दा हटाऊंगी ना तो आप लोगों को कनकेव या कन्वेक्स, देखो दिक्कत ये है ना कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ से पॉइंट जो है वो कैसे आया, कन्वेक्स लेंस होगा कि कनकेव लेंस होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैं इसको रख दूं लेंस को, ये वाला, सारी रेज जो है वो इधर से होके ऐसे जा रही है, ठीक है। ये मैंने रख दिया इधर, तो सारी रेस कैसे जाएंगी, इस पॉइंट पे मिल गई, इधर से सारी रेस क्या होंगी, इस पॉइंट पे मिल जाएंगी, मिल रही है ना। उसके बाद देखो कि पहली वाली जो इधर से गई थी अब वो सीधी निकलेगी। पहला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, पहली रे यहाँ पे है और उसके बाद ये यहाँ पे है। तो जब 1 इधर है, 2 जो है इधर है, 3 इधर है, वैसे 10 जो है वो इधर है, ठीक है, 10 इधर है। तो ये आपका पॉइंट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कन्वेक्स लेंस है। इसमें गलती से कभी कॉन्केव लेंस नहीं लिखिए। देखो ये रहा ना, यहाँ से हमने वुडन बॉक्स हटाया, ये रहा आपके सामने रेस, सारी रेस गई यहाँ पॉइंट पे मिली और सब फिर जो है वो ऐसे करके आपकी निकल आई। इस डायग्राम को जरा नोट कर लो, 1 2 3 4 उधर में जाके उल्टे हो जाएंगे। यहाँ 5 4 3 2 1 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, उल्टे हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो याद रखिए इस पॉइंट पे आके वो मिल रही हैं, जो जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं वो फोकल लेंथ था, यहाँ से जब निकल रही हैं तो फोकल लेंथ है, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आगे, तो इसको जरा ध्यान से देख लो और किसी को नहीं समझ आए तो मेरे को बता दो कि भाई नहीं समझ आए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, क्या है, कन्वेक्स लेंस, क्या है, कन्वेक्स लेंस। ये बताइए what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube। अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक क्या कर दिया, एसिड जो है ना उसको बेस के साथ मिला दिया, सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, एक एसिड को सॉल्यूशन ऑफ बेस मतलब सॉल्यूशन जो है बेस का उसके साथ मिला दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर सॉल्यूशन का घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। बताओ, इसमें से एक ऑप्शन तो हमें लग रहा है कि ना वो तो होएगा ही होएगा, कौन सा ऑप्शन, तो इसमें होएगा ही होएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। जब भी आप एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, है ना, नमक तो बनेगा ही बनेगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो आना ही है। इसीलिए आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब ए और बी में से बताओ टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। देखो सेम तो रह ही नहीं सकता, सेम तो रह ही नहीं सकता है। जब भी हम किसी भी बेस या किसी भी एसिड और बेस के मिक्स होने की बात करते हैं तो टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता। एसिड बेस अगर आपस में मिलेंगे तो कभी सेम टेम्परेचर नहीं रह सकता। गलती से भी रिमेन्स द सेम नहीं लिखिएगा, क्योंकि एसिड और बेस अपनी अपनी पीएच के साथ जब मिलेंगे तो वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब अगर एसिड की बात कर ही दी गई है तो एसिड में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस, ठीक है, तो आप हमेशा इंक्रीज ही लिखिए, डिक्रीज तो कभी भी नहीं यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या लिखो, इंक्रीज वाला सेकंड है ना तो आप डी करके लिख लो, सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, 2 और 4 होगा तो डी ऑप्शन हो गया आपका 2 और 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य लिखा हुआ है। ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। जितनी पॉसिबल देखो चीजें हो सकती है ना, मैं आपको आपके लेवल पे कराती हूँ, आप बस टेंशन नहीं लो। आपको सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। पहली बात तो जो आपके एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, एसिड का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा लिखते हैं ना सॉर, और एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। एसिड को रिलेट ही आप रेड से करो, है ना, लाल से रिलेट करो आप, बेस को जो है वो नीले से रिलेट करो, क्षार को जो है ना नीले से रिलेट करो। जैसे पानी है, पानी थोड़ा सा नीला ही बोला जाता है। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, नींबू है ना, तो एसिड में आपके पास जो है वो खट्टा टेस्ट लिखना है। एसिड हमेशा रेड में कन्वर्ट करता है और एसिड हमेशा जो है वो अगर कोई मेटल है तो वो H2 रिएक्ट करेगा यहाँ पे जैसे H2SO4, जो बेसेस हैं वो आपके बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे, और नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनोप्थलीन को पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमेशा एंड में जो है ना उनके OH होता है। देखिए बेस के स्टार्टिंग में H होता है और जो बेस होता है उसके देखो एसिड के शुरू में H होता है, ठीक है, H2SO4 और HNO3 करके लिख दिया है ना, और जो बेस होता है उसके आखिरी में OH होता है, जैसे कॉस्टिक सोडा NaOH। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड वाला पॉइंट जो है याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई धातुओं की उनकी प्रतिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में सही व्यवस्था है? असेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। लेंस में करा चुकी हूँ, आप एक बार लेंस वाली क्लास देख लो, एक बार और बिल्कुल भी नहीं करा पाऊंगी मैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से लेंस और मिरर की क्लास करा दी है। आप ये बताओ कि आप में से किस बच्चे को अभी भी लेंस और मिरर में प्रॉब्लम है, मतलब उन क्लासेस को देखने के बाद। अब आपने देखी ही नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन देखी है और उसके बाद भी प्रॉब्लम है जरा बता दो मुझे। और वैसे भी मैं आपको ना क्लास में करा दूंगी, अभी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना लाइट वाले, तब मैं आपको और करा दूंगी। आपके इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज वाला वो ठीक है? हाँ, CH3COH हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर इसको वीक लिख देंगे ना मनीष, फिर वो वीक हो जाएगा। सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से लगाना है ना, तो आपको कौन से असेंडिंग में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। भाई ऑप्शन ध्यान से देखो, बढ़ते हुए ऑप्शन में बढ़ता हुआ, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में बढ़ता हुआ, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जब हम बनाते हैं ना उसमें बढ़ता हुआ मतलब नीचे की तरफ। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आते हैं ना आपके जिंक और आयरन। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन दी आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ZnO plus CO gives you the ZnCO? ये बताओ ZnO plus में CO ये क्या दे रहा है, Zn plus CO2। इनमें से कौन सी चीज ठीक है? ZnO ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, CO जो है वो रिड्यूस हो रहा है, CO2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ZnO जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? मुझे लगता है इसमें असेंडिंग मतलब रिएक्टिव सीरीज में, बढ़ता हुआ। सोडियम ऊपर ही रह जाता है ना, पोटेशियम ऊपर रह जाता है, फिर यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम। असेंडिंग मतलब ऐसे, रिएक्टिविटी सीरीज आपकी ऐसे भी बनाई जाती है ना, तो फिर आप बढ़ते हुए उस तरफ के क्रम में लिखोगे। इस रिएक्शन में सबसे अच्छी स्टेटमेंट जो लिखी है वो कौन सी है, जो ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है? ZnO ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है, ZnO रिड्यूस हो रहा है, CO जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, CO क्या हो रहा है, CO तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसमें ZnO इज बीइंग रिड्यूस टू अबाउट दिस रिएक्शन, जो कि प्रतिक्रिया के बारे में सही लिखा हुआ है। ZnO को आपने रिड्यूस कर दिया ना, बिल्कुल ठीक है। Cu2S plus 3Cu2O कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड, जो रिएक्शन है वो क्या बन गया, 6 कॉपर और SO2 जो है ना वो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इस रिएक्शन को आप किस तरीके की रिएक्शन बोलोगे, ऑटो रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, या ये तो कोई भी नहीं है, इसको तो आप कुछ ही बोलो। किस तरीके की रिएक्शन बोलेंगे इसको, ध्यान से देखो। SO2 बाहर निकल गया सल्फर, कॉपर 2 प्लस सल्फर और ऑक्सीडेशन, सल्फर और ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अच्छा पहले तो याद रखो ये बेसिमराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेसिमराइजेशन प्रक्रिया या रिएक्शन लिख दू मैं यहाँ पे, बेसिमराइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये किस प्रकार की रिएक्शन है ना। नहीं हमको यहाँ पे पता है ना, तो आप ये याद रखो, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसको हीट करके क्या किया जाता है? ऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बाद में रिएक्शन करा देते हैं। कॉपर सल्फाइड को पार्शियली ऑक्साइड किया जाता है क्यूपर, ये इसमें आपके क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर है ना, उसको रिएक्ट करा दिया जाता है तो वहाँ पे कॉपर बन जाता है, ठीक है। ये आपकी जो रिएक्शन बोली जाती है इसको हम ऑटो रिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो रिडक्शन। क्या जानना है इसको भाई? ऑटो रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन आपकी ऑटो रिडक्शन है और नाम याद रखिएगा, इस रिएक्शन को बेसिमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है इसमें, आपके कुछ भी इलेक्ट्रोलिटिक हम लिखते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या बैलेंस के हिसाब से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंस के हिसाब से सल्फर ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, तो कॉपर जो है ना वो रिएक्ट कर गया, तो बेसिमराइजेशन प्रोसेस जो है ना वो लिखा जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स कौन से हैं? Z की जो है X, Y और Z, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी हुई है? 28, 287 और 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? X मेटल है, Y मेटल है, Z नॉन मेटल है, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक लिखा हुआ? स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये बस बता दो। कोई बात नहीं मैं क्लास ले सकती हूँ ना, इसलिए, अदरवाइज तो मैंने हटाया होता, लेकिन मैं ले सकती हूँ क्लास, और शुरू करना पड़ेगा ना। ऐसे बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते ना, बैठ के भी क्या ही कर रहे हैं। देखो एक्स जो है वो 10 है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया, तो ये मेटल तो नहीं है ना। 287 वाई जो है 17 हो गया और ये क्लोरीन है, तो वाई जो है वो नॉन मेटल है, वाई मेटल तो नहीं है, है ना। ये हो गया 282 यानी कि 12 मैग्नीशियम है, तो 12 जो है वो मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। सी भी गलत है, वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। ये 12 है, ये आपका 17 है, 17 बोले तो क्लोरीन और 12 बोले तो मैग्नीशियम, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, थोड़ा याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको और भी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको हटा के कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा के ये क्वेश्चन आंसर दिया जा सकता है। आसान है, ठीक है, तो पेपर में थोड़ा इनको जोड़ लेना, ये नहीं ज़्यादा ऐसे शाना नहीं बनना है, ठीक है। जोड़ लेना, जोड़ने के बाद एलिमेंट पता कर लेना, फिर आंसर देना, है ना। बताओ इनमें से कौन सा फिगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को सही बता रहा है? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को सही बता रहा है। अच्छा आपको कैसे पता लगेगा? कैसे यहाँ पे हमें पता लग रहा है? तो एक तो देखो यहाँ पे की है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, एक इससे की से पता लगेगा, की को ध्यान से देख लो, और दूसरा एनोड और कैथोड है, बाकी सब कुछ सेम है। कॉपर सल्फेट का ही आपका सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और जो आपकी ये एरोज है इनको भी देखना पड़ेगा, वैसे तो ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला है। एरो में Cu2+ और सी, एक में जा रहा है एक में बाहर आ रहा है, तो कैथोड और एनोड क्या होगा? ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं ना, पहली के बार में ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा ना जूम करो अपने फोन के स्क्रीन को और देखो इनको। यहाँ पे ये जो कॉपर निकल रहा है और एंटर कर रहा है वो अलग है, कैथोड और एनोड जो है वो अलग है, की जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी अलग है। इसको जूम करो ना, मेरे में जूम नहीं होता है। मेरे में ये जूम ही नहीं होता है। पहले वाला सही था सिस्टम, अभी ये गड़बड़ हो गया है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं जूम होता, पहले तो हो जाता था जूम। अच्छा चलो ऐसा है, मैं ही इसका डायग्राम बना देती हूँ, है ना। पॉजिटिव की तरफ एनोड आना चाहिए, नेगेटिव की तरफ कैथोड आना चाहिए। कॉपर जो है वो कैथोड में जाना चाहिए, एनोड से निकलना चाहिए। ये वाली चीज होती है आपकी, ठीक है। आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लर्न कर लो। देखो ये हम बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक बीकर, है ना। अब आप इस डायग्राम को पूरे को समझ लो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक बीकर है जहाँ पे आपको एक बैटरी को कैथोड और एनोड से अटैच करना है। आप याद रखोगे एनोड के लिए आप बताओ पॉजिटिव चार्ज लेते हो कि नेगेटिव, बताओ। कैथोड के लिए क्या लेते हो, चलो इतना तो बता दो आप लोग मुझे, है ना। एनोड के लिए नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के लिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है एनोड के लिए, कैथोड होता है नेगेटिव के लिए। कैसे करते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो यही करते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। एनोड के लिए जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड के लिए क्या होता है? नेगेटिव। अब इसको क्वेश्चन को ऐसे भी लर्न कर लो, आपकी जो सीआरटी थी ना, कैथोड रे ट्यूब, वहीं से ना आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो निकाले गए थे। ऐसे लर्न कर लोगे। एनोड में आपके पास एआरटी ट्यूब थी, एक एनोड रे ट्यूब, जहां से आपके प्रोटॉन जो है वो निकाले गए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तब जब आप यहाँ पे बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन करोगे, मान लो ये मैंने एनोड ले लिया, ये कैथोड ले लिया, है ना। सबसे पहले आप ये याद रखो, एनोड को जब आप अटैच करोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी से होगा, है ना। और जब आप कैथोड को अटैच करोगे तो वो नेगेटिव चार्ज के साइड से यानी कि बैटरी से होगा। तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ गया। अब आपका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन इसमें दिया है कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। एनोड पॉजिटिवली चार चीजें हैं, है ना, तो इसीलिए एनोड में से जो कॉपर है वो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज, मेटल पॉजिटिवली चार्ज, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। और जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो यहाँ से कॉपर निकलेगा, यहाँ पे कॉपर एंटर करेगा। वही डायग्राम आपका सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कॉपर सोल्यूशन हो गया। एनोड में से पॉजिटिवली चार्ज मतलब Cu2- या Cu2+ जो भी लिख रहे होंगे यहाँ पे वो याद रख लेना। और यहाँ पे जो है ये एंटर कर रहा है, Cu2+ ही होता है, कॉपर हम 2+ ही लिखते हैं, तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है, सी वाला ऑप्शन। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है, इस चीज में याद रख लेना। ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है ना वो आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये देखो की के हिसाब से आपको अच्छा ये था ना, यहाँ पे जूम करके लिखा तो अरे मुझे ये दिखाना चाहिए था आपको, है ना, यहाँ जूम करके। चलो सी वाला ये ऑप्शन है ना, ये आपका एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ये आपका इधर और ये आपका इधर, यहाँ पे आ गया। चलो देखो हो गया ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका आंसर ये था एनोड पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको कभी ऐसे घुमा भी दे तो टेंशन मत ले लेना। कैथोड नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज देख लो, एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कैथोड में जाएंगे। वही एरो ये शो भी कर रहा है, अब दिख रहा है यहाँ पे सबको, अब ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साफ दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ये ऑप्शन भी साफ ही दिख रहे थे। ये मुझे याद ही नहीं था, मैंने इसको कट करके लगा दिया था। चलिए बताइए विच ऑफ दिस फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेम पीरियड। ऐसा मैंने पहले भी करा है क्वेश्चन, एक बार इसका आंसर दे दो, इनमें से कौन सा सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है। इनमें से कौन सा सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है? किसी को ए तो नहीं लग रहा ना, किसी को ए लग रहा है कि ए भी सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है? नहीं ना, सिंपल याद रखो बी और सी सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दो शेल्स हैं, 2 और 8, यहाँ पे भी दो शेल्स हैं 2 और 3, यहाँ पे सिंगल शेल आएगा 2, यानी कि बी और सी सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं ना, सॉरी सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू थर्ड पीरियड, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आपका थर्ड पीरियड को, ठीक है, और ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप उसकी बैलेंस ही क्या बताओगे। अच्छा ये कल के पेपर में बैलेंस ही पूछिए ना किसी की, एक सेकेंड, आपके कल के पेपर में जो आप में से जो आज बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, कल मुझे आपको क्वेश्चन भी कराने थे लेकिन वो हो नहीं पाए थे, किसी चीज़ की ना आपकी बैलेंस ही पूछी हुई है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ पूछा हुआ है, Na2SO3 और HCl का रिएक्शन भी पूछा हुआ है। किसकी पूछी थी बैलेंस ही? बाकी अब आपको मैं बता दूं, अब पेपर कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, बहुत इजी पेपर लग रहा है ना। बैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर 17, ठीक है, 17th ग्रुप की जो बैलेंसी है ना वो क्या होगी, 17th ग्रुप की बैलेंसी बताओ जरा कितनी होगी, 17th ग्रुप की बैलेंसी कितनी होगी ये बता दो। मैं आपको आज शाम को क्वेश्चन करा भी दूंगी ना जो आए हैं ना पेपर में, इसमें बैलेंसी कितनी होगी, किसकी बात कर रहे हैं, 16 है ना, तो 6 हो गया यहाँ पे, बैलेंसी क्या होगी, +2 होगी या -2 होगी। अच्छा +2 और -2 भी लिख दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, हिमांशु गलत नहीं बोल रहे हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज पॉजिटिव, बैलेंसी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो सबसे पहली बात, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते, है ना। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 4 है, वो कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। बैलेंस सी जो होती है ना, बैलेंस सी दैट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव किस वे में होता है, अगर उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो लेना चाह रहा है ना। जिसने किसी को दान में दे दिए वो बैलेंस सी नेगेटिव होती है, राइट, ऐसे करके लिखना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा, लेकिन बैलेंस ही कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि बैलेंस ही कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको चाहिए होता है उसको प्लस में लगाते हैं, जिसने दिया वो नेगेटिव होता है, वो खुद दे के खुद पॉजिटिव हो जाता है लेकिन वैसे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप जरा बताओ यहाँ पे, जब आप लिखोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो फिर क्या होगा, आपकी पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव थोड़ी होगा। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसकी बैलेंस ही क्या है कि वो चाह रहा है कि उसको एक मिल जाए। आप ऐसे लर्न करो ना इसको, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले तो याद रख लो कि बैलेंस ही कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन खुद नेगेटिव है ना, लेकिन क्यों नेगेटिव है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब उसको क्या चाहिए, अपने अंदर +1 चाहिए, तो बैलेंस ही +1 हो गई। सोडियम है, सोडियम खुद +1 है, तो इसका मतलब क्या है, उसको एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो उसकी बैलेंस ही -1 हो गई, देना है उसको किसी को। मैग्नीशियम है, 2+ है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान में देने हैं, तो जिसके खुद के ऊपर + होता है ना, वो देता है ना बैलेंस ही, तो वो -2 हो जाता है कि उसको अपने अंदर से 2 निकालने हैं, इसको अपने अंदर से 1 निकालना है, इसको 1 चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, देखो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो खुद नेगेटिव है, लेकिन उसे चाहिए ना, उसके पास आ जाए, +1 हो जाए। जैसे मैं आपसे लिखूं कि आप मुझे क्लोरीन माइनस है, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दान में दे रही हूँ, तो आप कैसे लिखते हो, 17+1 लिखते हो ना, 18 हो गया। सोडियम ने 1 निकाला तो वो 11 -1 हो गया, यानी कि वो 10 हो गया। तो सोडियम को क्या करना है, -1 करना है ना, -1। मैग्नीशियम को -2 करना है, तब वो बैलेंस होगा। क्लोरीन को -1 चाहिए, सॉरी +1 चाहिए, तब वो जो है वो 18 या स्टेबल होगा। तो जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव होता है उसकी बैलेंस ही पॉजिटिव होती है, जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव होता है उसकी बैलेंस ही जो है वो नेगेटिव होती है। ऐसे करके ना आपको लिखना पड़ेगा, है ना, वाली चीज है। तो बैलेंस ही आपकी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो 2 होगी वो -2 होगी, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होंगे। अब आप समझ गए ना, 2 चाहिए तो -2, 2 नहीं मतलब 2 निकालने हैं तो +2, ऐसे करके लिखते हैं भाई ये इस क्वेश्चन में ना। जो ऊपर होता है वही बैलेंस ही होती है। क्लोरीन में अगर आप -1 कर दोगे तो वो 17 हो जाएगा ना, कैसे लिखेंगे हम, ऐसे थोड़ी करते हैं। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस ही एल्यूमिनियम की कितनी होती है, अब ये बताओ मुझे, एल्यूमिनियम की बैलेंस ही कितनी होगी बताओ, आप ये बता दो, इससे समझ आ जाएगा कि कितना आपको समझ आ रहा है। एल्यूमिनियम की बैलेंस ही आपको पूछी हुई है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, बैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम में मुझे अगर मुझे ये है कि यहाँ पे मुझे ना अपने जो इलेक्ट्रॉन, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। अगर मुझे अपने आप को स्टेबल करना है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकालने हैं, कितने लूज करने पड़ेंगे। अच्छा ऐसे करके लर्न कर लो, कितने की कमी है ऐसे लर्न कर लो। +3 हो गया ना, सिंपल है, +3 लिखो ना यहाँ पे, +3। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने एक्स्ट्रा हैं, उसके हिसाब से लिखेंगे ना। -3 इलेक्ट्रॉन इसको अपने अंदर से निकालना होगा और एक्स्ट्रा इसके पास जो है वो +3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, +3। तो जब एल्यूमिनियम लिखता है ना तो वो +3 लिखता है ना, Al+3 लिखते हो ना आप। 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल सकता है, मतलब जब ये निकाल देगा तब आप उसको क्या लिखते हो, Al+3 लिखते हो। सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तब Na+ लिखते हो। Mg2+, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आप 2+ लिखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसको जरा समझ ही लेंगे, बाकी वैसे बैलेंस ही निकालनी आ गई। क्लोरीन माइनस, यानी कि इसे क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करना है ना। जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इसको माइनस या प्लस करना है। एल्यूमिनियम +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा है इसके पास, इसके पास 1 की कमी है। सोडियम प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। Mg+2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। आपके पास क्लोरीन 1 का मतलब, क्लोरीन तो हो गया ना, ऐसी करके निकाल लोगे आप यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन +1, यानी कि 1 एक्स्ट्रा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन 2-, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बैलेंस ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है ना। अच्छा अगर आपने वैसे लर्न किया तो वैसे लर्न कर लो, कि अगर जो ऊपर लिख रहे हो वही लिखना है तो वही लिख लो, +3 हो गया। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना, क्या पूछा है, सिंपल बैलेंस ही पूछे। तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दान में दे सकते हैं या ले सकते हैं वो बैलेंस ही होती है। +3 दान में दे दिया, -1 चाहिए, +1 दान में दे सकते हैं, +1 दान में दे सकता है, +2 दे सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो -2 हो गया, -1। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना वो आपकी बैलेंस ही होती है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, जितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए वही हमारा ऊपर चार्ज लग जाता है, वही हमारी बैलेंस ही हो जाती है। ठीक लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जितना इलेक्ट्रॉन जो है हमको चाहिए किसी से या हमें दान में देना है वही हमारी बैलेंस ही है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मेरे पास 90 रुपये है, मुझे जो है ना 100 रुपये पूरे करने हैं, तो मुझे 10 चाहिए किसी से, है ना, तो -10 है ना मेरे पास, बैलेंस ही आपकी जितने इलेक्ट्रॉन आप दान में दे सकते हो या दान में लेना है आपको, वो आपकी बैलेंस ही होती है। सिंपल है, इतनी सी बात बस लर्न कर लो। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट दान में दे सकता है वो उसकी बैलेंस ही होती है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को दान में ले रहा है तो उसको कितना दान में लेना है, माइनस है पॉजिटिव है, जो आप उसके एलिमेंट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हो वही है। चार्ज तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बैलेंस ही जो है वो आपका नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, 3 है, 12 है, 19 है, इनमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। एसएससी की क्लास आपकी आप लोगों के सामने 5 तारीख को एक वीडियो आएगा। आज कितनी तारीख है, आज 2 तारीख है ना। आप लोगों के सामने 5 सितंबर को एक वीडियो आएगा। आपकी 5 सितंबर से एसएससी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसमें भी आपके पास एक सरप्राइज है, उसके साथ ही शुरू हो रही हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। उसी सरप्राइज के साथ ना आपकी एसएससी की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। तो ये 5 सितंबर को होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि सरप्राइज इतना बड़ा है ना कि थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरप्राइज बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो एसएससी के लिए हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा। आपके सीपीओ के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपके जीडी और सीजीएल के लिए भी शुरू हो रही हैं, तो वो आपकी 5 सितंबर को आपको ना कुछ आइडिया लग जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन जो है वो नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है। बैलेंसी वाला समझ गए हो ना, मुझे मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ठीक है, ऑक्सीजन 2-, कैल्शियम 2+, आयरन 2+, है ना, आयरन 2+, पोटेशियम +1, मैग्नीशियम +2, सोडियम आपका +1, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगी इसकी बैलेंसी कितनी है ना। अब ये तो आप अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में होगा एल्यूमिनियम का बैलेंसी कितना है, क्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का कितना है, एग्जाम में ऐसे होगा। ये चीज हमको लिखनी आनी चाहिए, मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम की बैलेंसी +3, क्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1, इसकी ऑक्सीजन की -2, कैल्शियम की +2, आयरन की +2, इसकी +1, मैग्नीशियम की +2, सोडियम की +1, ऐसे करके बैलेंसी लिखते हैं। बस जो यहाँ पे चार्ज है ना वही आपको बैलेंसी बनाना है, सिंपल सी चीज है। अब इसके लिए आप एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन ये करके लर्न कर लो। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड, इसको आप वापस नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। आपने एक बार एलपीजी बना दिया, वापस पेट्रोल आप नहीं बना सकते हो। फिजिकल चेंज जो हुए और फिर वापस आपके पास रिपीट हो गए, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो एक बार हुए फिर दोबारा नया नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा विस्थापन की प्रतिक्रिया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दोहरा विस्थापन की प्रतिक्रिया इसमें से कौन सी है, दोहरी विस्थापन, चलिए बताइए दोहरी विस्थापन की प्रक्रिया कौन सी है। हाँ, कांड भी रिवर्स वाले जितने भी होते हैं वो आपके केमिकल चेंज ही बोले जाते हैं। समझ आ गया ना। बैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को आप बैलेंसी बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को ही बैलेंसी बोला जाता है। लास्ट ऑर्बिट नंबर नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या निकाल सकते हैं फ्रॉम दी टू ओनली, लिख लें, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। टू ओनली करके आप याद रखो। Na2SO4 plus BaCl2 gives you BaSO4 plus 2 NaCl। अच्छा ये वाला देखो, ये आया था ना एग्जाम में, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे इसका फोटो भी भेजा था। अब आप जरा आंसर बताओ। अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट विद द एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2 और R1, R2, R3। आप ये बताओ कि इसमें से रेजिस्टेंस का सही सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, ये एम्पियर है, ये वोल्ट है, ठीक है। वोल्ट और एम्पियर का रिलेशन पता है आपको, वोल्ट और एम्पियर का V इज इक्वल टू आई, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया है ना। अब आप बताओ क्या रहेगा, डी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, डी या बी। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे V अपॉन में I करके, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालोगे V अपॉन में I, जिसका V सबसे बड़ा होगा ना उसकी रेजिस्टेंस बड़ी होगी। यहाँ पे जरा इसको नीचे ग्राफ में लगा दो, अब देखो इसका V सबसे ज्यादा किसका है, R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपके R3 का है। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन लगाना है। डी ऑप्शन आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, R3, R2 और R1 है ना, ये आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 सैंपल्स के आंसर देना था, डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपकी जितनी भी साइड बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है। ये स्लोप्स के हिसाब से आप आंसर करोगे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो डायरेक्टली स्लोप के बराबर होगा, स्लोप ऑफ दी आई और वी ग्राफ, ठीक है, आई और वी ग्राफ, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा करंट कम है ना, वोल्टेज ज्यादा करंट कम, वोल्टेज ज्यादा करंट कम जिसका होगा वो आपकी आर की वैल्यू को ज्यादा रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ओम्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो इस क्लास को बस आप करो, लास्ट तक मैं कराऊंगी, एग्जाम्पलर के साथ इसको पूरा करेंगे। और थोड़ा सा बस तबीयत का इशू है तो इसलिए 1-2 दिन के लिए बोल दो, वरना मेरे डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया बोलना नहीं है, बिल्कुल लेटे रहो। पर ऐसे भाग जाए आदमी लेट लेट के तो पागल ही हो जाए। ओम्स लॉ किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, आंसर बताओ ना, ओम्स लॉ नहीं लिखना ना, ओम्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ध्यान से देख लो, डीसी सर्किट पे ओम्स लॉ नहीं लागू होता, हाई करंट पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता। क्यों? हाई करंट पे तो ओम्स लॉ लागू होता है। सॉरी, देखो ये देखो, सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट ओबे दी ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ आपके कंडक्टर्स पे, सर्किट पे, स्मॉल रेजिस्टर और हाई करंट की जो आपकी एप्लीकेशंस या एप्लीकेटर्स होते हैं उन पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ कुछ भी नहीं है बेटे जी। ओम्स लॉ क्या है कि आपके पास एक तार है, ठीक है, जिसको आप कंडक्टर बोलते हो, चालक बोलते हो है ना। कंडक्टर मतलब चालक बोलते हैं। चालक कौन? जो इलेक्ट्रॉन्स को चला सकता है अपने अंदर से, इसीलिए चालक बोलते हैं। इसके अंदर से ना इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं, कंडक्टर है। आपने एक कॉपर की तार ली, जैसे आपका स्विच है, यहाँ से आपका जो है ट्यूबलाइट लगा हुआ है, स्विच से ट्यूबलाइट वाला ऑप्शन है, ए टू बी हो गया है ना। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, तार जो है कॉपर की उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे, और बी जो आपके पास जो आपका कोई भी अप्लायंस है, ट्यूबलाइट है, वो हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की हीट जा रही है। क्या जा रही है? इलेक्ट्रॉन की हीट। जो ए से बी के बीच की जो दूरी है वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी से रिप्रेजेंट की जाती है। जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, ये आपकी आई होती है। अब आप हमेशा किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से नहीं भगा सकते हो, इसीलिए आपको बीच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, राइट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता, लेकिन क्योंकि आपने रेजिस्टेंस भी देखो, वोल्टेज, ये वोल्ट डिफरेंस है A से B। अब आप लोग मान लो यहाँ से स्विच ऑन किया, एकदम से नहीं जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आपके फ्लो करते हैं और B को जलाते हैं। हालांकि हमारे स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, है ना, या ट्यूबलाइट जल जाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी जो है कंडक्टर और आपके इस तरीके से बना दिए गए हैं सब्सटेंसेस या अप्लायंसेस कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी के बीच में। और याद रखना, कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन भाग के नहीं जा रहे, जैसे ही करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन जो है उछलना शुरू हो जाते हैं और उनका हीट ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो हीट है वो ऐसे ट्रांसफर हुआ और जो आपका अप्लायंस है वो जल गया। तो जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो यानी कि वोल्टेज घटा, ये वाला। और इसको हटा के ना आपने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो V is equal to R into I हो गया, हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ओम्स लॉ किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, उनके ऊपर आपके, क्योंकि ग्राफ का भी पढ़ते हैं ना हम, आई और वी का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन आती है। कभी भी आपके अच्छा ये भी याद रख लो, सेमीकंडक्टर की आई और वी की जो लाइन होती है वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, वो हमेशा कर्व्ड लाइन जाती है। ठीक है, कर्व्ड लाइन। तो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा ना इसमें, तो ओम्स लॉ डिपेंड ही नहीं करता, ओम्स लॉ इस चीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, ये देखो अलग ही दिमाग, पता नहीं कैसी स्टेटमेंट देते हैं आप लोग, टीचर का दिमाग ही नहीं चल रहा। टीचर का दिमाग तो इतना चल जाएगा, जहां तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है ना वहां टीचर का दिमाग चलना वहां से शुरू होता है। सुने है ना ये लाइन, जहां से तुम्हारी सोच खत्म रुक जाती है ना वहां से तो हमारी सोच शुरू होती है। ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हो? अब जो एग्जाम में आएंगे वही तो पढ़ाएंगे ना, कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पलर पूछे हैं तो एग्जाम्पलर पढ़ लो। पहले क्वेश्चन जो करा रहे थे, अब पहले जब आपको एनसीईआरटी करा रहे थे तो आप करने को तैयार नहीं थे ना। हाँ, एग्जैक्टली, सेमीकंडक्टर्स में आपका कर्व्ड ग्राफ आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में लीनियर ग्राफ नहीं आता, कर्व ग्राफ आता है इस तरीके से। जबकि आपका वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना आई के, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ग्राफ ऐसे आना चाहिए। सेमीकंडक्टर के केस में V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब पढ़ा तो बहुत कुछ सकते हैं ना, पढ़ा आपको बहुत कुछ सकते हैं, कमी नहीं है साइंस के क्वेश्चन की, लेकिन अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना, वरना क्यों फालतू में दिमाग लगाना है। चलिए देखिए, जैसी चीजें ठीक होती है ना, मैं चैप्टर वाइज हो रहा है, चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर वैसे भी आपको करने पड़ेंगे, आगे आप लोग एसएससी वगैरह दोगे उसके लिए भी तो चाहिए ना चैप्टर वाइज चीजें। तो ये आपका चलता रहेगा, उसका आप टेंशन नहीं लो। इंग्लिश की मैराथन क्लास चल रही है, आप में से जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ना वो लोग भी इस क्लास को जरूर से देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पलर क्वेश्चन की क्लास में ऐसी चलाती हूँ शाम को ना, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले और रासायनिक अभिक्रियाएं, एक बार वर्बली छोटी सी क्लास होगी, 15-20 मिनट का एक सेशन होगा जहाँ पे हम सारे फॉर्मूले को मैं बोर्ड पे लिखूंगी, ताकि आप मेरे साथ सारे फॉर्मूले लिखो और उसके साथ चीजें जो है वो कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर पाओगे। मेरे को बस आजकल का आप टाइम दे दो, जैसी ठीक होती है ना चीजें मैं आपके लिए सब कुछ करा दूंगी। ये इस बात का देखो दुख मुझे भी बहुत ज्यादा है कि ये इस टाइम पे नहीं, मतलब इस टाइम पे एटलीस्ट आपको रेगुलर 1-2 क्लासेस तो मिलनी चाहिए जीके की और साइंस की, बट इसको कैसे करें। ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया है भाई साहब, हमें नहीं पता चला। ठीक है, हम तो ऐसे ही करा रहे, हमें कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द इवनिंग। तो इवनिंग में मिलते हैं, और जैसी चीजें ठीक होती हैं आप बस मुझे आजकल का टाइम दे दो। अब क्या ही करें ना, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, दवाई खा के और वैसे बेहोशी सी हो जाती है। तो मैं आपको शाम को